मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास एक इंफ्रारेड की इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, वो पूरी डेड है। ओके, अब डेड पोजीशन में क्या क्या कंपोनेंट खराब था, कौन कौन से कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट करने के बाद भी इंडक्शन कुकटॉप ऑन नहीं हो रहा है। ओके, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप मान लो वीडियो नहीं देखते हो तो आपको इस प्रॉब्लम को ढूंढने में टाइम लगेगा। ओके, अगर आप वीडियो देखते हो तो आपके पास भी सेम प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है, कभी भी प्रॉब्लम को आप फेस करते हो तो मेरा गारंटी है कि आप उस जल्दी उसको रिस्पॉन्स कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन पीसीबी हो गया और यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले कंट्रोल पैनल हो गया। ओके, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे जो रिपेयर कर रहे थे तो उनका मिस्टेक क्या हो रहा था कि पावर सप्लाई रेडी नहीं हो रहा था। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ए मेरा न्यूट्रल हो गया, ए मेरा फेस हो गया। फेस के माध्यम से हमारा वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, उसके बाद एक फ्यूज लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है। ओके, जो भी लगा हो यहाँ पे 15 एम्पियर का लिख दिया। 15 एम्पियर के फ्यूज के बाद में दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 22 ओम का। ओके, 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। 22 ओम रेजिस्टेंस के बाद में दोस्तों हम इसको चेक करेंगे यहाँ से यहाँ और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। ओके, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, IN4007 डायोड लगा हुआ है, 1N4007। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों एक ट्रैक आपका सीधे कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाएगा। कौन से कैपेसिटर दोस्तों, यहाँ पे 4.7 450 वोल्ट का। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया था, कैपेसिटर को चेंज किया था, बट ये डायोड शॉर्ट हो गया था। अभी जो डायोड शॉर्ट होने से क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आता है 300 वोल्ट डीसी आएगा, क्योंकि ये डायोड एक लग गया तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था, वोल्टेज नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या हुआ था, तो डायोड शॉर्ट हो गया था। अगर ये डायोड आपका शॉर्ट हो जाए, अगर सीरीज में सप्लाई दोगे तो आपका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायोड कब ग्लो होता, अगर मान लो न्यूट्रल और फेस से लगा रहता तो आपका ग्लो होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या हो रहा था दोस्तों, आपका समझ लो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा था। ओके, तो इस डायोड का मैंने चेंज किया, डायोड लगा के यहाँ पे कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गया। कैपेसिटर वोल्टेज आने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे वाइपर बारा इसके आईसी लगी थी, यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर आईसी लगा हुआ था, बट यहाँ पे वाइपर बारा आईसी लगा दिया मैं। यहाँ पे एक एफ आर डायोड लगा दिया, पहले से नहीं था, यहाँ पे एफ आर डायोड लगा के वाइपर बार काम करने लगा। अब हमको यहाँ पे दोस्तों 18 वोल्ट मिल गया और 5 वोल्ट मिल गया। दोनों सप्लाई को मैं आपको चेक करता हूँ, उसके बाद आपका इंडक्शन कुकटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बाद आपको बता रहा हूँ। अभी दोस्तों आप फोकस करेंगे यहाँ पे, तो मैंने इस मल्टीमीटर को डीसी में सेलेक्ट कर लिया है। हमको दो सप्लाई चेक करनी है, एक आपको बताया था 18 वोल्ट और एक बताया था आपको 5 वोल्ट। ओके, अब हम सबसे पहले 18 वोल्ट कहाँ पे चेक करेंगे, तो आपका यहाँ पे फैन का जेक है, इसके पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे 17.5 पर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वोल्टेज सही आ रहा है। ओके, अब दूसरी सप्लाई हमारा 5 वोल्ट चेक करेंगे, तो 5 वोल्ट दोस्तों ए वाले जेक के दूसरे पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे राइट 5 वोल्ट बन रहा है। कोई सा भी इंडक्शन कुकटॉप का आपको मैं बताता हूँ कि अगर 5 वोल्ट बन जाए और 17 वोल्ट या 18 वोल्ट बन जाए तो आपका समझ लो पीसीबी मेन पीसीबी से ओके है। ओके, अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है दोस्तों, इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाओगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाता हूँ यहाँ पे, और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 वोल्ट आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन हम वोल्टेज को चेक करेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। कब ड्रॉप हो रहा है, जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ओके, फिर अगर मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से तो मेरा 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को बाहर निकाल दिया है, इसको लगाने से हमारा 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था तो बाहर निकाल दिया। अब चेक करता हूँ वोल्टेज को, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आने लगा। ओके, तो दोस्तों आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हो कि आपका समझ लो यहाँ पे जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। ओके,
अब इसमें दोस्तों लगभग में देखोगे तो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे दो पीएफ लगा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों एक और सेरामिक पीएफ लगा हुआ है, बाकी एलईडी यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। ओके, अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है तो उसके लिए हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। लगभग मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे। ये मेरा कंटिन्यूटी रेंज है, थोड़ा सा मीटर का ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है। ओके, अब सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक करते हैं, ये नहीं है, सॉरी यहाँ पे मीटर की इशू थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक करूँगा दोनों कैपेसिटर को, यहाँ पे ये पीएफ को चेक करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को चेक नहीं करेंगे, पहले शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टिंग आ रही है। ओके, एक कैपेसिटर को देखते हैं, यहाँ पे नहीं आ रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को बाहर निकाल देंगे, कैपेसिटर को वैल्यू को हम चेक नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। फिर दोस्तों हम 104 का पीएफ को यहाँ पे निकालेंगे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि पीएफ वगैरह भी शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, लेकिन किसी किसी इंडक्शन में इसको भी हम चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं ये भी शॉर्टिंग नहीं है, क्या शॉर्ट हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अच्छा कुल मिला के दोस्तों जो आपका यहाँ पे ये आईसी आप देख रहे हो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। ओके, एक आईसी दो काम कर रहा है, पहला क्या काम कर रहा है, ये जितने सारे टच हैं इसका यहाँ पे कर रहा है, और एलईडी ड्राइवर आईसी है। दूसरी दोस्तों एक प्रोग्रामर आईसी है, ये माइक्रो कंट्रोलर यानी माइक्रो प्रोसेसर का भी काम कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये आईसी आपका शॉर्ट हो गया। कहने का मतलब जो इसका वीसीसी होता है, यहाँ पे कैपेसिटर जो लगा रहता है दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई आता है, और 5 वोल्ट सप्लाई आने के बाद दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर को स्टैंड बाई करने जाता है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई खराब हुआ, पावर सप्लाई खराब होने के बाद सीधे दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई अगर ज़्यादा आया होगा तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को शॉर्ट कर दिया होगा। इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी इंडक्शन का पीसीबी होता है, पावर सप्लाई खराब होता है, तो अगर आप मान लो रिपेयर करते हो तो 7805 को क्या करो दोस्तों, यहाँ पे ओपन कर दो। ओके, उससे कभी कभी क्या होता है कि रिपेयर करते करते सप्लाई बढ़ जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको क्या करेगा दोस्तों, डैमेज करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, ये पीसीबी तो मेरी मेन पीसीबी रेडी हो गई है, लेकिन दोस्तों रेडी होने के बाद भी ये पीसीबी समझ लो ओके नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो गया। तो क्या होता है दोस्तों, आप पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर करते हो, रिपेयर करने के बाद दोस्तों अपना टाइम लॉस करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपका जो 5 वोल्ट खाने वाला खुराक यहाँ पे है वो ऑलरेडी समझ लो इसका पेट भरा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, ये समझ लो काम नहीं करेगा, यानी शॉर्ट हो गया है। तो उससे पहले हर बार आपको बोलता हूँ कि एक 5 वोल्ट का एडाप्टर बना लो। उससे आप क्या करो, बहुत कोई क्वेश्चन करता था कमेंट में, सर कैसे कैसे चेक करना है। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ए वाला पॉइंट आपका 5 वोल्ट है। ओके, ए वाला पॉइंट ग्राउंड है। अब कैसे चेक करोगे, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो एक रेगुलेटर 7805 लगा है, मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से बता देता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत कोई करता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फोकस करेंगे, फोकस क्या करना है कि आपने पीसीबी को, यहाँ पे जो मेन पीसीबी है इसको पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर किया, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद भी यहाँ पे आपका इंडक्शन कुकटॉप यहाँ पे ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 5 वोल्ट, ये जो आपका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो 5 वोल्ट इसको चाहिए वीसीसी ऑन होने के लिए। ये क्या हो गया दोस्तों, आप शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने से क्या है दोस्तों, 5 वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो कहने का मतलब आपका टाइम और जो छोटी छोटी कंपोनेंट इसमें रिमूव, सॉरी इसमें माउंट किए हो, वो आपका समझ लो लॉस हो गया। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले हर बार आपको बोलता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे मान लो आपका कोई सा भी पीसीबी आता है, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस पूरी जल गया है, एक कैपेसिटर वीक हो गया है। ओके, ये दोनों को आप लगाओ,
उसके बाद अगर लगता है कि वाइपर वाला आईसी खराब है तो वाइपर वाला आईसी लगाने से पहले आप 5 वोल्ट से क्या करोगे, ये माइक्रो कंट्रोलर को चेक करोगे। तो बहुत कोई कमेंट करता है कि कैसे चेक करेंगे, तो उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए इस टाइप का पीसीबी होगा, ओके, चाहे दूसरे टाइप का पीसीबी होगा, हर पीसीबी में इस ट्रांजिस्टर टाइप में एक 78L05 लगा रहता है, रेगुलेट ट्रांजिस्टर, ओके। उसका काम क्या है, 9 वोल्ट इन करता है तो 5 वोल्ट आउट करता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप में ए वाला है, ओके। अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपका ट्रांजिस्टर का मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ 78L05, क्लियर। पहला पिन दोस्तों इसका आउट होता है, यहाँ पे पहला पिन आउट होता है, दूसरा पिन दोस्तों इसका ग्राउंड होता है, यहाँ पे ग्राउंड होता है, और ये दोस्तों तीसरा पिन दोस्तों इसका क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका ए वाले का। अब हम इनपुट में क्या होता है दोस्तों, पावर सप्लाई से 9 वोल्ट इन होता है, कितने वोल्ट दोस्तों, 9 वोल्ट इन होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए 5 है, 78L05 है, तो कितना आउट करेगा, 5 वोल्ट आउट करेगा, ओके, यहाँ पे 5 वोल्ट आउट करेगा। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, ये देखो आपका समझ लो 5 वोल्ट का चार्जर है, ये वाला आपका ग्राउंड है, और ये वाला आपको समझ लो पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई है। ग्राउंड का क्या करोगे, बीच में लगा दोगे, 5 वोल्ट का क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे, ओके। जैसे यहाँ पे लगाओगे तो आपका 5 वोल्ट चेक कर लेना आ गया, उसके बाद इस डिस्प्ले को लगाओगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके चार्जर में एक एलईडी लगा होगा तो ड्रॉप करेगा, एलईडी नहीं लगा होगा तो आप चेक कर लेना मल्टीमीटर से वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ओके। तो इस टाइप का आप चेक कर सकते हो। दूसरी दोस्तों यहाँ पे समझ लो मेहनत तो बेकार हो गई, बट इसका मेरे पास एक जुगाड़ है, जुगाड़ क्या है दोस्तों, कुछ जुगाड़ नहीं है, ये तो समझ लो सीधे नया रिप्लेसमेंट है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप का मेरे पास डिस्प्ले मिल जाएगा जिसका मॉडल होता है D101। इस यहाँ पे लग तो जाएगा बट दोस्तों प्रॉपर यहाँ से जैसे मान लो ये आपका ऑन ऑफ है, लेकिन ऑन ऑफ दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, यानी समझ लो जो टच पैड है साइज में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसकी यहाँ पे लंबाई जो लेंथ है छोटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों बीच बीच में दोस्तों ये ऑन ऑफ बन जाएगा, ये आपका समझ लो फंक्शन यहाँ आ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे काम करेगा। उसके बाद दोस्तों इसकी जो पीसीबी की क्वालिटी है बढ़िया है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वालिटी लगभग में दोनों का सेम है। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे पीसीबी की, तो दोस्तों ये न्यू पीसीबी रहती है बट रिफ्रेश, यानी कहने मतलब क्या होता है, इंडक्शन से निकला हुआ रहता है और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है तो उसको रिपेयर करके चेक करके यहाँ पे समझ लो देते हैं, ओके। तो दोस्तों इस पीसीबी को मैं सेल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि दोस्तों इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम, क्या होता है कोई ट्रैक कट जाता है या कोई कैपेसिटर निकल जाता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, बाकी इंडक्शन से निकला हुआ रहता है, तो क्वालिटी अच्छी है। और इसमें दोस्तों इसका डिस्प्ले इस टाइप की आती है, तो जितने हमारे समझ लो जो मेरे से कंपोनेंट मंगाते हैं, जो मेरा पर्सनल कस्टमर है, अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ पे बोल देना सर मेरे को D101 मॉडल का इंफ्रारेड की पीसीबी चाहिए, ओके। बाकी दोस्तों इसका व्हाट्सअप में आप लोगों को मैं भेज दूंगा क्या प्राइस पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद था कि आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होने से जो आप इसको समझ लो रिपेयर नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी के पास माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास भी नहीं है तो हम इसको रिटर्न देंगे, तो इस बात को आपको टेंशन नहीं लेना है कितना भी बड़ा कोई भी रिपेयर करता है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं मिलने की गलती है, ओके। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने।